हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ आठवां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागा यवीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेणाप्यवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरोध्यतो मूर्ध्न्याधायात्मनस्तान मास्तुतो योगधारणाम् ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं नामनो स्मरन् य प्रयाते त्यजन् देहम् जाति परमांगति अनन्यते सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभपात् नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् माप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमाङ्गता अब्रह्मभुवनाल्लोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जना अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा
सर्ववंश्य रागमे राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामसैवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव सर्पार्थ प्रभवोच्य रागमे परस्तस्मत्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति परस्तस्मत्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जून सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम 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 नारायण 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 मनुष्य को अपनी जो स्थिति है परिस्थिति है उसमें संतोष करना चाहिए। इसमें संतोष करेगा तो अगर नहीं बढ़ेगा। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में अनुकूलता की प्राप्ति में उलझ करके संतोष नहीं करना चाहिए। इतना बहुत इतना हो गया ऐसे साधन में भी संतोष नहीं करना। संतोष करना ही नहीं है। अपने आप हो जाए जबरदस्ती क्या करे करना नहीं। जहाँ ज्ञान में भक्ति में
साधन में योग में संतोष कर देता है उसकी उन्नति रुक जाती है। अपने तो आगे दृढ़ से ही रहना है कि पूर्णता हो जाए तो हर्ज क्या हुआ, पूर्णता से कोई नाराज थोड़ी हो गए तो आगे बढ़ना है। अपने तो एक जीव का भी कल्याण न हो तब तक अपना पुरुषार्थ बंद नहीं होना चाहिए। एक सब का कल्याण हो जाए ठीक है, कोई परवाह नहीं। तो अल्प में संतोष कर लेना है ये गलती है। ये वेदांत में गलती ज्यादा होती है। अद्वैत सिद्धांत में पढ़ लेते हैं समझ लिया कि बस अब तो हमारे कुछ बाकी नहीं रहा, हम जान गए पूरा, ऐसा बहम होता है। और साधना में कहते और भी कम होता है। भक्ति में भगवान चेतन रहते हैं, योग में हो सकता है ऐसा, परंतु सजग आदमी होता उसे नहीं होता, वो अटलता नहीं है। अब मैं संतोष नहीं करता है उसकी उन्नति होती ही चली जाती है। सत्संग कर दिया राजी हो गए, इतने में राजी नहीं होना है। जब तक यंग ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगंतो, इस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ से लाभ है नहीं, और जिसमें स्थित होने पर गुणा भी दुखी न बिचार लीजिए। बड़े भाई दुख से विचलित कितना ही दुख आ जाए विचलित नहीं होता। तुम विद्या दुख से हो उसको दुख का संयोग से नहीं दुख सद स्थिर हो योग तो योग नहीं होता है विचित से उसमें लगे रहते उसे। एक मार्मिक बात है, सांसारिक उन्नति में तो संतोष करना चाहिए और पारमार्थिक उन्नति में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, स्वधार्य भोजन है, अपने स्त्री पुत्र मिला उसमें जैसा खाना पीना पहनना मिल जाए उसमें, और जिनका धन संपत्ति मिल जाए उसमें, इनमें संतोष करना चाहिए। त्रिशु नहीं बोलो तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय में पढ़ाई में इधर साधन में और जप दान हो, और जप में और दान में भगवान के नाम जप करना और दूसरों का हित करना, सेवा करना, दान देना, उपकार करना, इसमें संतोष कभी न करे भी बहुत कर लिया हमने। तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि पुराने कर्मों के फल रूप से जो परिस्थिति मिली उसमें तो करना संतोष, और यहाँ जो पुरुषार्थ करना है अगारी उन्नति करना इसमें संतोष कभी नहीं करना। इसमें तो करते ही रहना, मनुष्य शरीर उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है तो उन्नति के लिए ही है। ये चल कर फल विषय भाई, सांसारिक विषय इस शरीर का फल नहीं है। स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए क्या गए स्वर्ग, उस स्वर्ग कोई थोड़ा सुख है। ब्रह्म लोक तक के आब्रह्म भवना लोग पुनरावृत्ति नाम फिर आने वाले है तो गतागत काम काम मन से ऐसे काम में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। गतागत ये सर्वथा मिट जाए क्या पता लगे, पता देखो जान कर संतोष मत आते लग जाएगा। करते ही रहो करते ही जाओ, जैसे गंगा जी जाना है तो चलते ही चले जाए, गंगा जी आएगी तो चलते ही चले जाए, चलते चलते डूब जाए जब ठीक है, जब तक नहीं डूबे तब चलते ही रहे। तो उसमें डूब जाए मर जाता है,
और साधन गुड़ जाता है तो निहाल तर जाता है, मर जाता है, तर जाता है। तो साधन में डूब जाता हो जाए, कुछ भी ज्ञान नहीं रहे संसार का और परमात्मा तत्व ही रह जाए। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय जब कुछ, जब तक कुछ भी सत्ता दिखती है, कुछ पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, अवस्था है, कुछ जिसमें अटका हुआ भी जीते तब तक संतोष न करे। नया पुरुषार्थ में संतोष नहीं करना, पुराने कर्मों में जो मिल जाए कर्मों से उसमें संतोष करना। उस संतोष नहीं करो तो रो बने, मिलेगा कुछ नहीं। इसमें संतोष हो तो अटक जाओगे वहां, आगाड़ी मुझे बढ़ोगे ही नहीं। इस वजह से उसे भरने में संतोष नहीं करना, जो मिल जाए उसमें संतोष। भोजन मिल गया, कपड़े मिल गए, मकान मिल गया, परिवार मिल गया, रुपये मिल गए, संतोष पाओ। इसका अर्थ ये नहीं फिर कमावे नहीं, उद्योग ना करे, पुरुषार्थ ना करे, ये नहीं है। पुरुषार्थ करे, परमात्मा के लिए करे पुरुषार्थ, उसमें संतोष नहीं करना। करने में कभी संतोष नहीं करना, करता ही रहे, करता ही सब कुछ, सबका कल्याण हो जाएगा। इसी बात तो उस आदमी की उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। कोई भाई हो, बहन हो, कोई क्यों हो, भगवान की तरफ चलने में कभी संतोष नहीं करे। प्राप्त हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। वेदांत की बातें हैं, तत्व की बातें हैं, ईश्वर ब्रह्म जीव जगत का प्रचार है। इसमें सब संतोष में तो जान लिया है, ऐसा आ जाता है, मैं जान लिया, जाना नहीं है। बहन होता है बड़ी खतरनाक चीज है, बुद्ध ज्ञानी कहा उसको, योग वशिष्ठ ने बुद्ध ज्ञानी, वो बुद्ध जाता है। तो अधूरी जानकारी में संतोष करना बहुत खतरनाक है, उससे मेरे एक अभिमान पैदा होता है और भीतर एक उलझन पैदा होती, द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टाचार, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर के रहने घाट का जो धोबी का सुहाना, ऐसा होती है। संतोष होता नहीं, कर लेते जान तो क्यों कर लेते हैं? एक जानना होता है, एक सीखना होता है। सीखना मान लेते हैं ज्ञान, उसको संतोष होता है, और सीखने में कभी संतोष नहीं करना। सीखना और अनुभव दो चीज है। हम सीख रहे हैं वेदांत की प्रक्रिया सब तरह से और ठीक समझते हैं, हम तो जान गए। ये जानना नहीं है, ये सीखना है। सीखना जानना अलग जरूरी है। जैसे तोता होता है, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहता है, बिल्ली आवे मारने जो चैं चैं करता है, वो क्या काम काम आया? मृत्यु के समय भगवान याद आ जाता तो ठीक है, मृत्यु से बचे तय कर क्या सीखा? तो सीखा हुआ ज्ञान तोते की तरह होता है और अनुभव तो बस मस्ती हो जाती है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कोई कमी का अनुभव नहीं होता। अभिमान में भी ऐसा होता है, सीखने से जो अभिमान होता है उसमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे लिए कोई करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, ऐसा भाव मालूम होता है। परंतु कभी न कभी भीतर में हलचल पैदा होती है किसी परिस्थिति को लेकर के, तो ठीक जाना नहीं है। जानता है तो फिर स्वर्ग नोबजायंते प्रलय न, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते
और महाप्रलय में भी दशा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, विचलित नहीं होता, कभी होता ही नहीं। ये विचलित ठीक बैठी सजनो समाधि और वित्थान दो चीज होती है तब तक वास्तविक चीज नहीं है। एकांत में समाधि होती है, उससे व्यथित होकर के क्रिया करता है, ऐसा जब तक है तब तक अधूरा पर है, वो अवस्था होती है ना। तो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति जैसे अवस्था है, ऐसी ही अवस्था है। इसमें पूर्णता कहाँ, इसमें पूर्णता नहीं होती, पूर्णता तो उसी में है, फिर कुछ भी बाकी न रहे। तीन बात है, कुछ करना बाकी नहीं है, कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ जानना बाकी नहीं है, ज्ञान में से जानना बाकी नहीं है, और भगवत प्रेम की प्राप्ति में बाद में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, और उपकार संस्कार का हेतु योग चीज है, उसमें उसमें करना बाकी नहीं है, कृतकृत हो जाता है। योग से कृतकृत होता है और ज्ञान से ज्ञात ज्ञात भी होता है और भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी होता है। तो ये जब न हो जाए तब संतोष न करे, ये होश नहीं आता है आदमी को, उस अधूरे में जानकारी अपनी पूरी मान लेता है तो बड़ा गलत, बड़ा नुकसान भी, बड़ी गलती होती है। ऐसी अवस्था होती है ज्ञान मार्ग में चलने वालों को, विशेष होती भक्ति में चलने वालों को भगवान चेताते हैं, चेत कोई करे तब भगवान के चेताने पर कोई होश में आए तो ठीक है, नहीं होश में आए तो भगवान का सताना नहीं। भगवान कभी किसी के पीछे नहीं पड़ते, जबरदस्ती नहीं करते, वो जानना चाहे तो भगवान ऐसी परिस्थिति भेज दे जिससे उसको ज्ञान हो जाए, वो जानना हो जाए, अगर चले ऐसा हो जाए, ऐसा भगवान करते कृपा करते उठनाते। और जनाने चेताने पर भी चेतता नहीं, बहुत हो जाती है, दो चीजों से बाधा बहुत होती है। भगवान ने कहा है भोगे ईश्वरीय प्रशंसा नाम, भोग और ऐश्वर्य संग्रह, इसमें जो रात दिन लगे है ना, उनकी पारमार्थिक निश्चय की बुद्धि नहीं हो, भोगों में लगे है, संग्रह में लगे है, इन दो की बड़ी दुर्दशा होती है। इनमें आसक्ति वालों को अन्याय होता है, न्याय उस काम नहीं कर सकते, अनुचित काम करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, महान घोर पाप करते हैं, बड़े भारी अपराध करते हैं, और खुद को मालूम नहीं होता है। देखो सांसारिक विषयों को लेकर जो फंसे हुए होते हैं उनको होश नहीं होता है। संसार में चेतना तब आती जो संसार से अलग होते हैं, और परमात्मा तत्व की चेतना कब आती जो परमात्मा से अभिन्न होते हैं। दो बात ख्याल करने की है, संसार में रचा पचा रहता संसार के भोगों में संग्रह में सुख में, तब तक संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा से अलग रहता है तब परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है, जो भोगों में संग्रह में लगा है उसमें रात दिन फंसा है वो संसार का ज्ञान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकते, होते ही नहीं ज्ञान। संसार का ज्ञान इनसे अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने पर होता है। कि फर्क है दोनों, दो कायदा एक कायदा नहीं है। इस बात से पारमार्थिक साधना है वो सांसारिक की तरह नहीं है, उद्देश्य परमात्मा का हो तो सांसारिक काम करते हुए भी वो परमात्मा तो तू प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य परमात्मा का, और करता है काम सांसारिक गृहस्थ का काम करता है,
दूसरा काम करते हुए भी सजग है। कामोपभोग परमा एतावती से निश्चिता ये नहीं होना चाहिए। पदार्थ संग्रह कर दिया, भोग भोग लिए, फिर अब ठीक हो गया, हम तो पूर्ण हो गए। बड़ी खतरनाक अवस्था है भाई, बहुत खतरनाक, मुश्किल बहुत है। अपने को कमी जानता ही नहीं तो क्यों, तो किसी से पूछेगा, क्यों पढ़ेगा, क्यों विचार करेगा, वो तो वहीं अटक जाएगा। फिर अगड़ी चले, ये उसके हाथ की बात नहीं है, ऐसी परवस्था हो जाती है। उसके सुधार के लिए तो फिर जमराज है, गुरु ग्रंथाली नहीं है। वो जमराज दुख दे देंगे पर चेत तो खुद करेगा तो होगा। कैद में जाने पर भी चोरी करी, कैद में गए फिर छूटते चोरी करते, ऐसे आदमी देखे गए हैं, सुने गए हैं। चेत नहीं करते, किसी कैद होती तो क्या है, कुछ कितने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज है ये आलस्य, आलस्य और प्रमाद, और क्या हो गया ऐसा विचार है, उसकी उन्नति बहुत मुश्किल है। फिर कर लेंगे क्या, अभी क्या फिर कर लेंगे, बहुत खतरा होता है। मैंने देखा है, मैं भोग तो भोगी हूँ, जानता हूँ इस बात बातों को, बहुत खतरनाक चीज है। फिर करेंगे तो फिर करेंगे, फिर करना कुछ नहीं होता है, मर जाते हैं कि राम राम सबसे बोल जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। पर वो करने से क्या होता है, ऐसे क्या होता है। असली मूर्खता को रक्षित करने के लिए बढ़िया कवच है, जैसे बख्तर कवच पहनने से चोट नहीं लगती, ऐसे ये कवच पहनने पर उन्नति नहीं होती, पारमार्थ की बात लगती नहीं। गुरु पर, ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, विवेक पर श्रद्धा नहीं होती। क्या हो गया, हो गया क्या, हो गया नहीं, हो क्या हो गया। असली मूर्खता सुरक्षित रखने के लिए कवच है, उसकी मूर्खता मिटेगी नहीं, और संतोष नहीं करेगी क्या क्या हो गया, अभी तक जाना और हो गया। लोग कहते हैं राम राम करने से क्या होता है, तुम्हें राम राम करके देखो क्या होता है, ऐसी क्या पता नहीं करते है। बहुत से हमने देखा है, बहुत से करते हैं। इसमें एक मार्मिक बात बताऊ, दूसरों को सामने रखने से कभी ज्ञान नहीं होता। उसे यही करते हैं क्या हुआ, ये सत्संग करते हैं क्या हुआ, ये शास्त्र पढ़े क्या होता है, ये श्रवण करते तो क्या होता है, ये अपनी बातें करते तो क्या होगा, तत्व की बातें करते तो क्या हो गया। ये असली मूर्खता का चिन्ह है, संतोष न करे। लोग कह देते हैं ये तो भी बिल्कुल लंच है, तत्व को जाना नहीं, इधर गए नहीं है, जिसके चटवे लगी दर्शन की, मन में राम को देखूंगा छिन्न में चटक। प्रयत्न मानसु योगी संशुद्ध किल विषाद, अनेक जन्म संसदस्त हो जाती पर। प्रयत्न यतमान मधुसूदनाचार्य लिखे हैं, प्रयत्न से यतम, प्रयत्नाथ यतमान, इसी धातु को दो बार प्रयोग किया, दो प्रयत्नाथ यतमान, प्रयत्न से यसन करे, प्रयत्न से यसन किया, यसन प्रयत्न है ही, यदि प्रयत्न धातु है तो यत प्रयत्नाथ यतमान, मन कल किया जितन जिसे आज अधिक, अधिक आज कर जैसे कल अधिक, कल किया जैसे परसों अधिक। विफलता होने पर भी करने में ऐसी तत्परता उत्साह चाहिए कि मनु सफलता प्रतिदिन हो रही है, उसमें उत्साह बढ़ता है, ऐसा पारमार्थिक मार्ग में प्रतिदिन उत्साह बढ़ते रहना चाहिए। और आप लगोगे तो इसमें उत्साह बढ़ेगा, और जानोगे, और जानो, और जानो, और जानने की स्थिति नहीं होती है,
विलक्षण तो आती चली जाती है। ये बात एकदम ठीक है, इसमें एक अभिमान की बात है, वो भी कर्म उपयोग के लिए कि मेरे ऐसा संतोष नहीं होता, ये अभिमान की बात है। अभिमान अभिमान आप मत लेना और संतोष नहीं करना, ये बात आधी चीज काम की है। मैंने ऐसा किया है, ये अभिमान काम का नहीं है। मैं ऐसा जानता हूँ, ये अभिमान काम का नहीं है, पतन करने वाला है। परंतु अगर ये चलना है, ये बात ले लेनी चाहिए। कितना ही जान गए, कितना ही समझ गए, मनुष्य का पुरुषार्थ कभी बंद नहीं होता, आगे चलता ही रहता है, उन्नति का अंत नहीं है। जैसे दूब है घास, ये भी बढ़ता है, बालक को जो चना आदि के पौधा भी बढ़ता है, बाज भी बढ़ती है, ये वृक्ष भी बढ़ते हैं, खजूर भी बढ़ता है, तार भी बढ़ता है, कितने ऊंचे बढ़ जाए, आकाश की मना नहीं है। कभी यहाँ तक बढ़ गए, अगर मत बढ़ो आकाश को, और बढ़ो और बढ़ो। विंध्याचल बढ़ने लगा तो सूर्य के मार्ग को रोक दिया, तब अगस्त जी गए, उन्हें लंबे हो दंडोत करी, बस यही पड़े रहो लंबे, बढ़ते तो बिंद जी में घटे से निवारी हूँ, बढ़ते हुए बिंद को जैसे अगस्त ने निवारण कर दिया, इतना बढ़ता बढ़ने की होगी, वहां भी रुकावट नहीं आई, उससे अगाड़ी भी बढ़ सकता है वो, बस रहने दे भाया। ऐसे जानकारी बढ़ती रहे तो भी पूरी नहीं है इसमें, इसमें एक पूर्णता है, कोई भी बंधन में न रहे, कोई प्राणी भी बंधन में न रहे, ये है असली उन्नति। शेर जी कहते थे एक कुर्सी खाली है, मात्र जीव का कल्याण कर दे ऐसा हो सकता है, एक का कल्याण कर उसका दस का बीस का पचास का सौ का हजार का लाख का कल्याण कर दे, पर मात्र सृष्टि का कल्याण कर दे ये अभी तक तो नहीं हुआ है। किसे क्या पता कि हम बैठे हैं इतने, ये पता है, ये कसौटी देखो तो ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। वो स्थान खाली है, वो एक कुर्सी ऐसी है, जगह ऐसी है जो खाली है, तो वहाँ पहुंच सकता है। एक का कल्याण होता तो पचास का क्यों नहीं होता, सौ का क्यों नहीं, हजार का, लाख का, करोड़ का क्यों नहीं होगा, तो सबका क्यों नहीं होता है, गुंजाइश है। इस बात अल्प में संतोष नहीं करना, नारायण 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 नारायण, ये बात है। गोविंद गोपाल की जय बोलो।